अस्सलाम वालेकुम। ये आज का मुजाहरा मैनहट्टन में इंडियन कॉन्सुलेट के सामने ऑर्गेनाइज किया है। आज के मुजाहरे के ऑर्गेनाइजर्स न्यूयॉर्क सिटी के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें कश्मीरी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इसमें बंगाली भी हैं, इसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, इसमें बहुत तरह के लोग हैं। और ये बहुत बड़ा एक गेट टुगेदर है। इसके बेसिकली तीन मकासद हैं। पहला मकसद तो अपने फेलो अमेरिकन्स को इन हालात का उससे आगाही देना है कि जो इंडिया ने अपने ही कानून की और इंटरनेशनल कानून की और यूएन के रेजोल्यूशन की वायलेशन की है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना है। दूसरी रीज़न इसकी इंडिया को ये बताना है कि वो जितना मर्जी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का क्लेम करते रहें, वो दुनिया के सबसे बड़े वायलेटर हैं ह्यूमन राइट्स के और लॉ के और कानून के। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका मकसद है, वो श्रीनगर में बैठे हुए अपने और वैली में बैठे हुए अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देना है, और ख़ास तौर पे सैयद अली गिलानी साहब को ये पैगाम देना है कि गिलानी साहब और हमारे कश्मीरी बहनों भाइयों, आप अकेले नहीं हैं, आप अपनी जिद्दोजहद में तन्हा नहीं हैं, आप इसको जिद्दोजहद में हम आपके साथ हैं। दुनिया का हर मुसलमान, दुनिया का हर पाकिस्तानी और दुनिया का हर कश्मीरी आपके साथ इस जिद्दोजहद में शामिल है, और जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा भी शामिल है, हमारी ये तहरीक और आपके साथ ये जिद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ख्वातीन हज़रात, अपने प्रोग्राम के शुरू में एक छोटी सी एक मिनट की वीडियो देखी, जो आज आफ्टरनून में मैनहट्टन में एक मुजाहरा किया गया, जो NYU और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और मैनहट्टन की जो दूसरी यूनिवर्सिटी हैं उनके स्टूडेंट्स ने मिलके इंडिया के इस इकदाम के खिलाफ किया है। ये बड़ा इम्प्रेसिव एक मुजाहरा था। इसमें हज़ारों लोग थे, स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने सुर्ख रंग की टी शर्ट्स पहन के यकजहती शो की कश्मीर के मजलूम अवाम से। तो हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब, ये स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना, ये इस्लामी नुक्ता नजर से कितना मुनासिब है ये? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया। असल में जब भी किसी हक को हासिल करने के लिए कोई भी एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए कि जिसमें सामने वाले को कोई जानी नुकसान ना हो, उसकी किसी किस्म की जो कोई अजियत और ना हो, सिर्फ आप अपने हक को हासिल करने के लिए एक एहतियाज करें और प्रेशर क्रिएट करें, तो इसके बिल्कुल इस्लाम इजाज़त देता है। जो खुद हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने शिकायत की कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत सताता है, मुझे तंग करता है, तो मैं क्या करूँ? आपने फरमाया, ऐसा कर, तो अपने घर का सारा सामान निकाल के सामने गली में बैठ जा। वो निकाल के सामने गली में बैठ गया। अब जो गुजरता, कहा जी खैरियत है, सब सही है। कहते क्या करो, पड़ोसी बहुत तंग करता है। अच्छा, दूसरा गुजरा, भाई क्या हुआ? खैरियत यार, पड़ोसी बहुत तंग करता है। अब एक गुजरा, दो गुजरा, आहिस्ता 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 वो आवाज़ फैलती चली गई, पब्लिक इकट्ठी हो गई। कभी क्या हुआ, कह जी पड़ोसी बहुत तंग करता है। लोगों ने कहा यार बड़ा नालायक आदमी है, दरवाज़ा खटखटाया। कह यार ये तुम्हारा पड़ोसी तुमसे इतना तंग है, तुम क्या करते हो उसको? वो परेशान हो गया, उसने कहा यार खुदा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बंदर आ जाए यार, है? तो उसने फौरन अपने रवैये से माफ़ी मांगी और उसको मना के अंदर ले गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये जो एक माहौल बतलाया, ये प्रेशर क्रिएट हुआ उस पड़ोसी के खिलाफ, आने जाने वाले एक स्ट्रीट के ऊपर वो सब आहिस्ता आहिस्ता मुतवज्जे होते चले गए, यहाँ तक कि जो पड़ोसी मजबूर हो गया और वो अपने रवैये से बाज आकर उसको अंदर ले गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये सीट के ऊपर जो एहतजाज होते हैं, ये इस्लामी नुक्ता नजर से बिल्कुल इसकी इजाजत है, लेकिन बशर्तिया कि आप देखें उसे प्रेशर क्रिएट होगा, जाहिर ये एहतजाज होता है। अब जब एहतजाज आप करते हैं तो आप 1000 बंदा एहतजाज करता है, 10000 सुनता है, जो 10000 सुनता है उसमें से 2000 आपके सपोर्ट में आ जाता है, वो जहां जहां आवाज पहुंचती है आगे पैगाम पहुंचाता है। अब ये स्प्रेड होती जब ये चीज, तो फिर जो असल जो जालिम है उस तक जब पहुंचता है तो उस पर असर पड़ता है। वो ये कहता है कि यार बहुत ख़राब हो रही है बात, फलां जगह भी बदनामी, फलां जगह बदनामी, यार अपने रवैयों को चेंज करो। तो बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, इससे और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ये मुजाहरे होने चाहिए। और फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो मज़लूम कश्मीरी जिन तक ये पैगाम पहुँचता है, तो वो सोचते यार अमरीका के अंदर रहने वाले ये नहीं कि अमरीका की रोशनी में गुम हो गए हैं, वो यहाँ अयाशियों में पड़ गए, नहीं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल कि मेरी उम्मत में कोई एक मुसलमान दुनिया के किसी दूसरे मुसलमान जो दुनिया पे खत्ते में तकलीफ महसूस करेगा तो ये मुसलमान तकलीफ में पूरा शरीक रहेगा, ये जश्न वाहिद की तरह है। तो गोया कि कश्मीरियों को तसल्ली होगी, यार अमेरिका में लोग हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, और ये तसल्ली किसी मजलूम को देना ये बहुत बड़ी इबादत है।